पार तेरा क्या पाए, बस शिर झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्रीयुत पद कमलम्, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजा सहगना रघुनाथान्वितं, तं सजीवं सावधयितं परिजन सहितं, श्री कृष्ण चैतन्य देवं, श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। सच्चिदानंद रूपाय विश्वो त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री गोविंदाय श्री कृष्णाय वयम् नाम संकीर्तनम् यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेन हरीश चित्तं समाश्रयेत। यं प्रवरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजु हाव पुत्रेति तन्मये तया तर्वो विनेत।
सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरानधस्य शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरु कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ब्राह्मणों के चरणों में ऐसी विनती है कि आप बिना बोले इशारे में ही काम किया करें। इतना निकट बैठ के ब्राह्मण लगातार बोलेंगे तो विक्षेप होता है। यदि मंगलाचरण में ही मन विक्षेप होगा तो कैसे होगा? तो आप सबके चरणों में विनती है, आप बोला ना करें, इशारे में बात कर लिया करिए जो जरूरी है। आप कृपया बोला ना। श्री गुरु प्रेमानंदे लाइ गौर हरि बो श्री गुरु प्रेमानंदे लाइ गौर हरि बो श्री गुरु प्रेमानंदे लाइ गौर हरि बो भजनिताइ गौर राधे श्याम जब हरे हरे Yeah.
राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जयताई गौर राधे श्याम जप हरे वामन नरसिंह भगवान हरे कृष्ण
भगवान हरे कृष्णा हरे राम जय वामन नरसिंह भगवान हरे कृष्णा हरे राम जय वामन नरसिंह भगवान हरे कृष्णा हरे राम सीता राम राधे श्याम ताई गौर हरी श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की अपार करुणा के फलस्वरूप यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यज्ञ महोत्सव में भागवत जी की पावन कथा कहने सुनने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है और आज कथा का पांचवा दिन है। पंचम दिवस की प्रथम बैठक प्रातःकालीन सत्र में कथा प्रारंभ होने जा रही है। कल सायंकालीन सत्र में हम श्री नाम की महिमा और देह की नश्वरता को श्रवण कर रहे थे। अजामिल के प्रसंग के माध्यम से वास्तव में अजामिल भक्त का जो प्रसंग है, अब तो उद्धार हो गया इसलिए अजामिल भक्त कहेंगे, नहीं तो अजामिल पतित कहा जाता है। पर हम क्यों पतित कहें, हम कहेंगे अजामिल भक्त। इतनी कृपा हो गई, अब हम नहीं कहेंगे अजामिल पतित, नहीं लिखा यही है पतित अजामिल, पर हम नहीं कहेंगे। बोले हम क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि नाम है पारस और जीव है लोहा। पारस ये विचार नहीं करता लोहे को देखकर कि ये कसाई की दुकान का छुरा है या मंदिर में काम आने वाला कोई उपकरण है, वो ये चीज नहीं देखता। वो तो बस संपर्क में आए लोहा यदि पारस के, तो उसको सोना बना के ही छोड़ेगा। तो अजामिल पतित नहीं रहे, अब भक्त अजामिल। वास्तव में अजामिल भक्त का कल बहुत बोला जा चुका है, पर फिर भी पेट नहीं भर रहा। लगता है कि आठों दिन अजामिल के प्रसंग पर ही बोलते रहे, इतना प्रिय प्रसंग है गुरुजनों का, महाप्रभु जी का बहुत।
वास्तव में अजामिल का जो प्रसंग है ये नाम महिमा का प्रसंग नहीं है। किस चीज की महिमा का प्रसंग है? नामाभास की महिमा का प्रसंग है। नामाभास किसको कहते हैं? कि नाम तो ले रहे हैं लेकिन भगवान को लक्ष्य करके नाम नहीं ले रहे, तो इसको कहेंगे नाम नहीं नामाभास। नाम तो है लेकिन नाम ही का भाव है, तो यहां पर आभास है। और श्री कृष्ण को, श्री राम को, श्री नारायण को लक्ष्य करके जब नाम लिया जाएगा तो वो तो नाम कहलाएगा, लेकिन उनको लक्ष्य न करके अन्य किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके या वार्ता में बातचीत करते में नाम निकल जाए तो वो भी कल्याणकारी होते हैं। किस कारण? नामाभास के रूप में कृपा करते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई कही है, दो चौपाई कह के फिर एकदम चाल को बढ़ाते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। चार दिशाएं और चारों के बीच की दिशाएं कौन? आठ, एक आकाश की ओर और एक पाताल की ओर। दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। लेकिन वही गोस्वामी जी एक जगह ये भी कह रहे हैं, बिना भाव रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर
वही गोस्वामी जी वहां तो कह रहे हैं भाव को भाव अनखाल सहू नाम जपत मंगल दिस। कोई बिना भाव के भी नाम ले तो मंगल हो जाएगा। और एक जगह ये कह रहे हैं कि बिना भाव रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। अंतर क्या है? बोले बिना भाव के नाम लेने से मंगल तो हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी रीझेंगे नहीं। रीझेंगे कब? जब भाव के साथ नाम लिए। तो बिना भाव रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो यही प्रणाम करके नाम महिमा को, अनंत नाम महिमा है। शेष भगवान अपने अनंत मुखों से अनंत युगों तक नाम की महिमा गाते रहे हैं, तो नाम की महिमा गा नहीं पाएंगे। नाम की महिमा गाई जा सकती भी नहीं है। नाम की महिमा, नाम का सम्मान यही है, नाम की महिमा यही है कि अहिर्निश हमारी जीवा भगवान नाम जपती रहे, बस यही महिमा है। सुंदर चर्चा हुई है, आगे तो वत्रासुर जी का प्रसंग आया है। हुआ क्या? इंद्र ने अपने सभासदों के बहकावे में बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। बृहस्पति जी कौन है? इंद्र के गुरु, इंद्र के गुरु हैं बृहस्पति। उनका किया अपमान, अपमान करे से बृहस्पति जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब तो बल तो कृपा का है, हमारे भीतर जो बल है, जो हमसे भजन बन पा रहा है, वो कृपा के कारण बन पा रहा है। और कृपा हमारे पास कहाँ से आ रही है? डायरेक्ट नहीं आ रही है, वाया होके आ रही है। किसके वाया होके आ रही है? गुरुदेव के। कृष्ण कृपा सीधे उपलब्ध नहीं होगी, और उपलब्ध हो भी गई अपात्र को तो ऐसी लगेगी जैसे समुद्र का पानी। समुद्र का पानी अपार जल राशि है समुद्र में, कोई समुद्र के तट पे बैठा भी हो लेकिन प्यासा मर जाएगा। इतने पानी के जल राशि के पास बैठा हुआ भी समुद्र प्यास नहीं, प्यास लगेगी पिएगा, पर पीने के बाद जिन्होंने चखा होगा समुद्र का पानी कैसा होता है। तो समुद्र का पानी कब हमारे काम आएगा? जब उस पे सूरज अपना गर्मी देंगे, फिर समुद्र के जल की वाष्प बनेगी, वो वाष्प आकाश में इकट्ठी होगी, बादल बनेंगे, फिर वो बादल किसी पर्वत के शिखर से टकराएंगे अथवा आपस में घर्षण को प्राप्त होंगे, तब वो बादल बरसेंगे। वो जल जो होगा वो संसार के किसी भी आरओ के जल के समान नहीं, उससे पवित्र शुद्ध कोई जल नहीं। सारे आरओ फेल हैं, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। तो ऐसे ही गुरु की करुणा से वह अज्ञात कृपा ज्ञात हो जाएगी, व्यापक परमात्मा व्यक्त हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया? गुरु का ही अपमान कर दिया, सोशीहीन हुए। अब कैसे करें? अनुष्ठान कराना था, ये बलहीन हो गए। दैत्यों ने चढ़ाई करके राजपाट तो लिए छीन, इंद्र तो घबराए, सो विश्व रूप को अपना पुरोहित बना लिया। बोले यज्ञ तो करना है, बृहस्पति जी तो रूठे हैं। विश्व रूप जी को कहा कि जब तक गुरुदेव नहीं मानते तब तक कुछ समय के लिए आप हमारे गुरुदेव बन जाओ। बोले गुरुदेव नहीं, पुरोहित, आप पुरोहित बन जाइए।
उन्होंने कहा ठीक है भैया, अच्छा कार्य है तो बन जाते हैं। विश्वरूप जी पुरोहित तो बन गए, यज्ञ होने लगा, लेकिन अपने मातृ कुल की ममता में पढ़ करके ये यज्ञ में दो चार आहुति दैत्यों के नाम की भी दे देते। यज्ञ तो करा रहे थे देवता इंद्र, और ये दैत्यों के नाम की आहुति दे देते। सो इंद्र को लगी खबर, अब इंद्र है बहुत जल्दी गुस्से में आ जाने वाला, जिनका अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं है वे जीवन भर स्वयं को भी जलाते रहते हैं और दूसरों को भी जलाते रहते हैं। देखिए इंद्रियां हमारी सर्वेंट हैं, हम इंद्रियों के सर्वेंट नहीं हैं। इंद्रियां हमारी सर्वेंट हैं, हम इंद्रियों के सर्वेंट नहीं हैं। परमात्मा ने ये पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियां हमको इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं कि आप विवेक पूर्वक इनका प्रयोग करें, लेकिन उल्टा हो गया। हमने नौकरों को ही घर का मालिक बना दिया, हम नौकरों के पीछे पीछे चल रहे हैं। होना ये चाहिए था कि नौकर हमारे पीछे चलते। हम जो कहते भैया कर्मेंद्रिय से कर्मेंद्रियों ये करो, ज्ञानेंद्रियों ये करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम ही कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के गुलाम हो गए। उल्टा हो गया, बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। पता चला कि विश्वरूप जी तो दैत्यों की भी आहुति दे रहे हैं, इसने तो वज्र से विश्वरूप जी का सिर ही काट दिया। इनके तीन सिर थे, तीन मुख थे, तीन जो शीश काटे तो तीन पक्षी हुए। इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का निवारण कैसे होए? सो ब्रह्म हत्या को चार भागों में बांटा गया। पहला भाग दिया वृक्षों को, दूसरा जल को, तो तीसरा स्त्रियों को, तो चौथा पृथ्वी को। वृक्षों में उस ब्रह्म हत्या का अंश है गोंद। वृक्षों ने कहा तुमने हमको हत्या का अंश दे दिया, लेकिन अब हमको इससे कुछ सुविधा भी मिलनी चाहिए, तो वरदान दिया कि जहां से काटे जाओगे वहीं से बढ़ोगे। पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का अंश दिया, तो उससे जहां बंजर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या का ही अंश है। तो साथ में पृथ्वी को वर भी दिया कि जहां से खोदी जाओगी कालांतर में अपने आप भर जाओगी। तो जो एक भाग दिया जल को, तो जल में जो फैन होते हैं वो ब्रह्म हत्या का अंश है। सो जल को वर दिया कि तुम सबके साथ आत्मसात हो जाओगे, और स्त्रियों को दिया ब्रह्म हत्या का अंश कि प्रत्येक महीने में मासिक धर्म होगा। सो स्त्रियों ने कहा कि यदि मासिक धर्म रूपी ब्रह्म हत्या हमको मिल रही है तो इसके लिए वर क्या है? तो कहा कि मासिक धर्म के बाद में जो समय आएगा वो ऋतुकाल कहलाएगा, और ऋतुकाल में संसर्ग करने से तुम गर्भवती होगी। बालक को जन्म देने की योग्यता मासिक धर्म के पश्चात ऋतुकाल में प्राप्त होगी। हम लोग कल नरक का वर्णन जब प्रारंभ में सुन रहे थे तो वैतरणी नामक जो नरक है वो उन पापियों के लिए हैं जो कि शुद्धाचार का त्याग करते हैं। वह पुरुष अपने प्रकार के शुद्धाचार का त्याग करे, और स्त्री के लिए सबसे बड़ा शुद्धाचार है कि मासिक धर्म की अवस्था में जो निषिद्ध है उस निषेध को पालन करे। ये उस निषेध
उसको पालन नहीं करने पर हम लोगों ने कल सुना था कि वो मलमूत्र और पीक और उस अशुद्ध उस इतनी दुर्गंधयुक्त नदी में जाने कब तक के लिए डाल दिया जाता है और उसी में डूबते उतराते रहते। ये अंश तो बांट दिए लेकिन विश्वरूप को मार दिया, तो विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, उन्हें उन्हें कहा कि देखो इंद्र पर इतना सबर नहीं हुआ, मेरे पुत्र को मारा, तो मैं भी अब इसको मारने वाला दैत्य पैदा करूंगा यज्ञ के माध्यम से। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया लेकिन यज्ञ के मंत्र के स्वर में गड़बड़ हो गई। कर्मन की गति गैन है भाई, पुण्य करत पातक हो जाए। केवल स्वर, मंत्र नहीं अशुद्ध बोला, स्वर दीर्घ का लघु और लघु का दीर्घ हो गया। जैसे हमने किसी को, जैसे तीन शब्द हैं, रुको मत जाओ, ये तीन ही शब्द हैं, रुको मत जाओ, अर्थ बदल जाएगा केवल रुकने पर, रुको मत जाओ, इसका मतलब रुकिए मत जाइए, पर हमने कहा रुको मत जाओ, ठीक उल्टा, मत रुकिए जाइए, तीन ही शब्द हैं, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, ठीक विपरीत। रुको पे अगर सांस ले लिया हमने, रुको मत जाओ, तो इसका मतलब मत जाओ, पर हमने रुको मत एक साथ बोलकर मत पे सांस ले दी, तो इसका मतलब जाओ। कितना बड़ा अंतर आ गया, इनसे स्वर में अंतर हो गया, स्वर में अंतर हो गया। ये बोलना तो चाहते थे इंद्र को मारने वाला पैदा हो, अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला पैदा, आके डंडे का अंतर पड़ गया। ये मंत्रों की महिमा है, ये कर्म कांड की उलझन है, लेकिन नाम में ऐसा कुछ नहीं। गुजराती वैष्णव कुशन कुशन करते हैं, कृष्ण तो बोल ही नहीं पाते, कृष्ण 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 करते हैं, कोई कृष्णा कृष्णा कहते हैं, बंगाली लोग कृष्णा कृष्णा कहते हैं, कोई कृष्ण कहता है, कोई किशन कहता है, किशन कहो कुशन कहो कृष्णा कहो कृष्णा कहो, एड़ा मेड़ा टेढ़ा कैसा बोलो, नाम नहीं अपराध विचारी। इसीलिए कल का सत्संग बहुत काम का, जो प्रारंभ में तीन प्राश्चित कहे, कर्म कांडगत, ज्ञान कांडगत और उपासना कांडगत। उपासना कांडगत प्राश्चित क्या, कि अंधेरा हो रहा है सूर्य उदय हो जाए, नाम क्या है सूर्य है। तो इसलिए हमें कर्म कांडों के चक्कर में पड़ना नहीं, हमें तो नाम आश्रय ही करना है। एक गांव का सीधा साधा भक्त गुरुजी से, गांव में एक संत पधारे, सत्संग सुन के उनके प्रति प्रेम बढ़ा, दीक्षा लेने को गया, गुरुजी ने भजन बताया, बड़ा प्रसन्न हुआ, नाम करने लगा। बोले गुरुजी कुछ और साधन बताओ, क्या साधन? बोले भगवान प्रसन्न हो। बोले भैया भगवान कीर्तन से प्रसन्न होते हैं, कीर्तन करा करो। तो बोले कीर्तन किसको कहते हैं? बोले कीर्तन इसको कहते हैं जिसमें भगवान के गुण गाए जाते हैं। तो बोले आप कुछ भगवान के गुण बता दीजिए। बोले भगवान में बहुत सारे गुण हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, अकारण करुण हैं, पतित पावन हैं, बड़े बड़े गुण हैं। बोले महाराज मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, कोई हल्की फुल्की सी बात हो तो बता दो। उन्होंने तुलसीदास जी की दो पंक्तियां पद की, एक पंक्ति बता दी तुलसीदास जी के पद की, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, पहली पंक्ति याद करा दी, दूसरी और करा दी। बोले मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने, आगे याद कराने लगे। चेला जी बोले बस गुरु जी इतना ही बहुत है,
मेरे से पूरा पद याद होगा नहीं, बस दो ही पंक्ति। बोले ठीक है, दो ही भी पर्याप्त है, दो ही गुनगुनाते रहो। अब तो ये घर आए और खूब रो रो के गाए। पढ़ा लिखा होना अच्छा है, पढ़ लिख करके हम तर्क में पड़ जाएं वो अच्छा नहीं। जैसे कपड़े को साबुन से धोते हैं, साबुन ने कपड़ा साफ कर दिया, लेकिन फिर साबुन भी कपड़े में नहीं लगा रहना चाहिए, फिर पानी से साबुन को भी निकाल दीजिए। हमने साबुन से मैल धो दिया, लेकिन कहीं हम साबुन नहीं निकालेंगे। यदि फिर कपड़े को पानी में नहीं खंगाला, यदि साबुन भी लगा रह गया तो सूखने के बाद वो भी मैल जैसा ही दिखेगा, कपड़ा साफ नहीं दिखेगा। तो करना क्या है, तर्क के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मैल को हटा दीजिए, फिर ज्ञान को भी मत रखिए, फिर उसको भी धो डालिए। ज्ञान को नहीं रखिए अर्थात ज्ञान का अभिमान नहीं रखिए, ठीक है ना। दो पंक्ति याद करा दी। अब ये घर गया, भाव तो इसमें बहुत था, ये भूल गया, थोड़ा सा अंतर पड़ गया। ये गा रहा था, मैं हरि पतित पावन सुने, 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 मैं हरि पतित पावन सुने। अब आगे की पंक्ति थी, मैं पतित तुम पतित पावन, इसने क्या कह दिया, तुम पतित मैं पतित पावन, तुम पतित मैं पतित पावन। प्रसंग लंबा है, कथा रह जाएगी, कहने का अर्थ है इसने उल्टा बोल दिया। ये कर रहा था लगातार कीर्तन, प्रभु भी सुन रहे थे मजे से, दुनिया कहती मैं पतित तुम पतित पावन, ये कहता तुम पतित मैं पतित पावन, तुम पतित मैं पतित पावन, दो बानक बने, दो बानक बने। एक दिन गुरु जी इनके घर आए हुए थे, बोले कीर्तन चल रहा है कि जो रोज करते हैं, बोले सुनाओ। इसने जो सुनाया तो गुरु जी ने तो माथा पीट लिया, बोले भैया खुद तो मरेगा, हमें वो मरवाएगा साथ, क्या बकरा है ये। अरे मैंने कहा था मैं पतित तुम पतित पावन, क्या बकरा है, तुम पतित मैं पतित, तू पतित पावन है। अब तो महाराज उसको लगा ये क्या किया। अब तो अगले दिन इसने ठीक बोला कि मैं पतित तुम पतित पावन। कहते हैं ठाकुर जी प्रकट हो, क्यों प्रकट हो गए, भक्त से बोले जो पहले गा रहा था वैसे ही गा। बोले क्यों, बोले पहले जितना रो के गा रहा था उतना रो के नहीं गा पा रहा, अब तो तुझे इसी ध्यान में पड़ा है कि मैं पहले ना निकल जाए, कि तुम पहले ना निकल जाए, कि पतित ठीक है, कि पतित पावन ठीक है, तो पहले ही वाला गा। बोले महाराज पहले वाला तो गलत है। बोले नहीं, पहले वाली तो बिल्कुल अनोखी पंक्ति है। बोले क्यों, बोले आज तक मुझे पतित तो बहुत मिले, पर पतित पावन तू ही मिला। मुझे पतित तो जाने कब से मिले, पर भैया पतित पावन तो तू ही मिला मुझे। तू वैसे ही गा कि तुम पतित मैं पतित पावन। यही है भगवान की करुणा, यही है उपासना का मार्ग। लेकिन कर्म में उल्टा हो गया, उसने त्वष्टा ऋषि ने इतनी बड़ी गलती नहीं करी थी कि तुम पतित मैं पतित पावन कर, इतनी बड़ी गलती नहीं करी थी त्वष्टा ऋषि से, तो केवल स्वर की गलती हो गई थी, रुको मत जाओ, केवल स्वर की गलती हुई थी, सांस लेने की गलती। परिणाम बिल्कुल उल्टा, कितना उल्टा परिणाम हो गया कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला पैदा। कौन प्रकट हो गया, वृत्रासुर प्रकट हो गया।
बत्रासुर जो प्रकट हुए, सो बत्रासुर ने प्रकट होकर के चहुं और त्राही त्राही कर दी, इंद्र देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घबराए, देवता जो घबराए ऋषियों के शरण में गए, बोले ऐसे मरेगा नहीं। ददीची ऋषि की हड्डियों से जब आयुध बनाओगे तो मरेगा। सो महाराज मरता क्या ना करता, ये ददीची ऋषि के पास पहुंच गए। ददीची ऋषि को बताया, ददीची ऋषि बोले भैया तुम क्या मांग रहे हो, ये अपनी अस्थियां दे दो। अस्थियां जीवित व्यक्ति कैसे दे देगा, कोई अपना एक रोम खींच के देखो कैसा लगता है, कितनी तकलीफ होती है रोम खींचने में, और मैं सारे शरीर की हड्डियां निकाल के तुमको दे दूं। लेकिन चूंकि ये काम परोपकार का है, इसलिए मैं अपनी हड्डियां भी दान कर दूंगा। ये भारत के ऋषि हैं, हम इन ऋषियों के ऋणी हैं, चिर ऋणी हैं हम सब सनातन धर्मी, जिन्होंने अपना समय नहीं, अपना जीवन नहीं, अपनी देह तक कुर्बान कर दी, हम ऋणी हैं उन सब के जो देश को आजाद कराने के लिए लड़े, हम उन सब के ऋणी हैं। कितने कितने बलिदान दिए, हम भगत सिंह के ऋणी हैं, हम नहीं ऋणी हैं क्या, हम ऋणी हैं। वो लोग मर गए, भरी जवानी में चढ़ गए फांसी के फंदों पर। त्याग का देश है, हम धन्य हैं जो हमें भारत में जन्म मिला। हम सब धन्य हैं जो ऐसी भूमि में जन्म मिला। भगवान की जो अनेक करुणा है जीव के ऊपर, उसमें एक बहुत बड़ी करुणा है कि हमको भारत में जन्म मिला, हमको पुण्य भूमि में जन्म मिला। हम कहीं अमेरिका, चीन, इंग्लैंड में न पैदा हो गए, जहां पर दाल रोटी तो खाई ही नहीं जाती, जहां पाप को ही पुण्य बताया जाता है, ऐसे किसी नारकीय स्थान में पैदा नहीं हुए, हम पुण्य भूमि भारतवर्ष में प्रकट हुए। जिसे मान गए, सो गैया जो बुलाई है, गैया ने चाटे अंग, चाट चाट के त्वचा मांस को तो गैया ने ग्रहण कर लिया, और केवल हड्डी हड्डी का ढांचा रह गया। लेकिन ददीची ऋषि की हड्डियों में इतना ओज कि हड्डियां टूटे से टूटे नहीं। शेष नाग भगवान बुलाने पड़ गए, सो अपने फनों की गर्मी दे दे करके तब तो हड्डियों का चूरा हुआ। विश्वकर्मा से तीन आयुधों का निर्माण हुआ, धनुष, त्रिशूल और वज्र। वह शारंग धनुष, वह पीनाक जो कि जिसका कि खंडन श्री रामचंद्र जी ने जनकपुरी में किया सीता जी के स्वयंवर के समय, ये धनुष, और त्रिशूल जो बाबा के हाथ में रहता है शंकर जी के हाथ में, और वज्र जिसको इंद्र ने ग्रहण किया। इस वज्र के द्वारा ही बत्रासुर मारे जाएंगे। वज्र लेके जो आया है इंद्र, सो ललकारा है बत्रासुर को, भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन उस युद्ध में अद्भुत स्थिति, जब बत्रासुर से युद्ध होने लगा तो बत्रासुर ने तो युद्ध करते हुए भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की है चार श्लोकों में। ये चार श्लोक इतने प्यारे हैं कि बस यहीं रुक जाएं, पर आज रुकना नहीं है। आज तो शताब्दी, गाड़ी में बैठेंगे तब कहीं पहुंचेंगे, इसलिए रुकने का काम आज बिल्कुल नहीं। कल इतना रुक गए कि आज बस भागो। पहले श्लोक की पहली पंक्ति बोल करके आगे बढ़ेंगे। अहम हरे तव पादैकमूले दासानुदासो भवितास्मि भूय।
वत्रासुर वंदना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे अपने चरण कमलों के दासों का दास बना दी। दासानुदासो भवितास्मि भूय, कृपा करिए। हे प्रभु मुझे न स्वर्ग चाहिए न और किसी लोक की वांछा है, अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए, मेरा ऐसा प्रेम कर दीजिए जैसा एक नवजात पक्षी का अपनी पक्षी माँ के प्रति होता है, घोंसले से झांकता रहता है, कब माँ आएगी मेरे लिए दाना लाएगी। ये उपमा दी लेकिन मन नहीं भरा, बोले उपमा तो अच्छी है, एक खोट है, क्या पंछी बड़ा हो जाता है तो माँ को छोड़ के चला जाता है, नहीं ये उपमा अच्छी नहीं रही। तो दूसरा दी उपमा कि जब ऐसा प्रेम दे दीजिए जैसे बछड़ा का मैया के प्रति, कि मैया कब आवे और कब दूध पीऊं। दे तो दी उपमा, फिर लगा ये भी ठीक नहीं रही, बछड़ा बड़ा हो जाए दूध कहाँ, फिर तो भूसा खाना है, लेकिन मुझे तो कभी बड़ा नहीं होना, तो ये गैया बछड़े की उपमा भी ठीक नहीं। तो तीसरी उपमा दी, ऐसा प्रेम हो जाए जैसे परदेश गए पति की प्रतीक्षा उसकी प्रिया करती है, कब आवेंगे कब आवेंगे कब आवेंगे, ऐसी प्रीत हो जाए, ऐसा उदाहरण दे करके तो इनको संतोष हुआ है। वंदना की है, इसकी वंदना सुन करके तो इंद्र के मुख से भी निकल गया, अहो दानव सिद्धोसी, अरे दानव तू सिद्ध है, तू धन्य है। बोले क्यों, अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो भगवान को बार बार कहना पड़ा मामनुस्मरण युद्ध च, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध कर, स्मरण करते हुए युद्ध कर, और तू राक्षस होकर के भगवान का स्मरण, एसी कमरे में बैठकर ऊपर पंखा चल रहा है नीचे गद्दा बिछ रहे हैं तो भगवान का स्मरण हो जाएगा, पर उस समय जिस समय हम कहीं कलह में गिरे हुए हैं, हम बहुत सारी परेशानियों में गिरे हुए हैं, हम रोग से गिरे हुए हैं, हम कहीं अभावों में गिरे हुए हैं, ऐसे समय में भी क्या हमसे भजन होता है, बड़ा कठिन काम है। वत्रासुर तू धन्य है, इतने कष्ट में भयंकर समय में युद्ध के मैदान में तू भगवान को स्मरण कर रहा है, भैया क्या बात है। इंद्र ने भी प्रशंसा करी है, पर तब तो वज्र चला के इनके दोनों हाथ काटे हैं और दोनों हाथ काटे हैं, लेकिन इतने पर भी इतना बलशाली सम्मुख खोल के इंद्र को उसके हाथे के समेत ही निकल गए, लेकिन इंद्र के हाथ में जो वज्र था सो पेट काट के ये तो बाहर निकलने आए हैं। वत्रासुर से प्रकाश निकल कर भगवत धाम को गमन किया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा। कहिए शिवत्रासुर की, भक्त वत्रासुर की। बोले भक्त क्यों कह रहे हैं, तो राक्षस है। बोले निर्णय तब करिएगा आप जब इसके पूर्व जन्म की कथा सुनिए। सुखदेव जी पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, बोले कौन ये कौन था, शूरसेन राज्य का चित्रकेतु नामक राजा था जिसके की 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन अभाव ये कि 1 करोड़ रानियों में बालक एक के भी नहीं। ये बहुत परेशान हुए, अंगिरा ऋषि के शिष्य थे, अंगिरा जी को कहा है, सो अंगिरा जी की कृपा फल से इनकी सबसे छोटी रानी कृतदुति के एक बालक का जन्म हुआ। सोचिए जिसने 1 करोड़ ब्याह कर लिए हों संतान के लिए, उसके यहाँ 1 लौता लड़का पैदा होए तो कितनी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता हुई इतनी हुई कि ये राजा तो रात दिन छोटी रानी के महल में ही पड़े रहे, अपने बालक को खिलाते रहे, और रानियों को ही ईर्ष्या, बालक हुआ 5 साल का, सब रानियों ने जहर मिला के जो खिलाया है तो बालक तो मर गया, बालक मर गया। अब तो ये राजा और रानी सिर और पेट और छाती पीट पीट के रोने आए हैं नारद जी और अंगिरा जी, सो चित्र के तो पैरों में पड़ गया कि आपने दिया क्यों और दिया तो लिया क्यों। अंगिरा जी बोले भैया माता पिता संतान के जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं।
बोले नहीं मुझे ज्ञान की बातें मत बताओ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बहुत कहा, नारद जी ने आत्मा का आह्वान किया है, सो बालक पुनः इनके सामने आकाश में प्रकट हो गया। चित्रकेतु पुत्र पुत्र कहकर के जो भागे हैं, इस बालक ने तो अपने पिता को धुतकार दिया के पीछे। ये बोले पीछे क्यों हटो? बोले तुम कौन हो, क्यों मुझे पकड़ना चाहते हो? बोले बेटा मैं तुम्हारा बाप, ये तुम्हारी माँ, इनको भूल गए? बोले पता नहीं, जने कितने जन्मों में तुम मेरे माँ बाप बन लिए, जने कितने जन्मों में मैं तुम्हारा माँ बाप। जब मैं गधा बना था तो गधा और गधी मेरे माँ बाप थे, जब मैं कभी कुत्ता था तो कुत्ता और कुतिया मेरे माँ बाप थे। पता नहीं कितने माँ बाप बदल चुका, दूर रहो पास मत आओ, कभी माया लग जाए। ऐसा जो कहा सो चित्र केतु कृत दुति की तो बुद्धि संभली है कि भाई ये क्या, हम जिसके लिए हाय हाय कर रहे थे वो तो बाप कहने को तैयार नहीं। चित्र केतु ने पूछा तो तुम हमारे यहां तुमने क्यों जन्म लिया, तुम कौन हो? बोले मैं तो पिछले जन्म में एक ऋषि बालक था, ब्राह्मण बालक था, गुरुदेव की आज्ञा से जो भिक्षा लेने गया, एक बुढ़िया मैया के यहाँ भिक्षा मांगी आटे की। मैया ने आटा तो दे दिया, बारिश पड़ रही थी, मैंने कहा मैया दो चार कंडा भी दे दो, उपला भी दे दो रसोई करने के लिए। इस बूढ़ी मैया ने जो दिए उपले, उपले में थी चींटियाँ, सो मैंने बिना सुखाए बिना झाड़े उपला जो लगा दिए चूल्हा में तो सारी चींटियाँ जल गई। कितनी चींटी थी उपलों में कि 1 करोड़ चींटी। सो वो 1 करोड़ चींटी जो जली, जबकि वो बिल्कुल दिख रही थी चींटियां कि उपला भरे पड़े हैं, चींटियां चींटियां, लेकिन इतने पर भी इसने तो चींटियों के वो उपला वो कंडा ही आग में जब दिए हैं। तो महाराज चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। तो फिर क्या हुआ? बोले राजा ये जो तुम्हारी 1 करोड़ रानियां हैं ना, यही चेंटियां हैं वही, और जो मैं हूं ना वो वही ब्राह्मण का बालक हूँ, ऋषि बालक मैं ही हूँ। तो बोले तुमने इतना भजन किया, भजन का तुम्हारा फायदा क्या हुआ? जो गलती में किए हुए पाप का परिणाम मिल गया। बोले फायदा ये हुआ जो 1 करोड़ चेटियां एक एक करके मारती सो एक साथ मुझे जहर दे के मारती। 1 करोड़ बार मुझे धरती पे आना नहीं पड़ा। दूसरा जो कहीं 25 साल 23 साल 35 साल 40 साल की उम्र में मारती सो 5 साल की उम्र में ही मार के काम खत्म। अब मैं भगवत धाम को जा रहा हूँ, न तुम रो न मैं रो। चित्रकेतु को तो बहुत धक्का लगा। चित्रकेतु ने कहा भैया संसार तो झूठा है, संसार तो झूठा है, सच्चे कौन है? संत सगे और गुरु सगे, अंत सगे हैं राम, परशु धरया जीव को 3 ठौर विश्राम। माया सगी न तन सगा, सगो न यह संसार, परशुराम या जीव को न राखन हा। चित्र केतु तो भजन करने के लिए चल पड़े हैं, नारद जी ने जो दी है दीक्षा तो इनको संकर्षण भगवान के भजन के विषय में बताया। संकर्षण भगवान अर्थात बलराम जी का भजन, अर्थात नित्यानंद प्रभु जी का भजन। संकर्षण भगवान का भजन जो बताया है, भजन करके ये तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, इन्हें तो अव्याहत गति का विमान मिला है। ध्यान से सुनते जाइए तो समझ में आता रहेगा। रुक रुक कर हर प्रसंग की जो शिक्षा है वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि कथा लंबी है, फिर भी आप पूरी मेधा से सुनेंगे तो आप अपने आप लाभ उठाते जाएंगे।
अव्याहत गति वाला विमान जो मिला है, विमान में बैठकर ये भ्रमण करते हैं। एक दिन तो विमान निकला कैलाश के ऊपर से, शंकर पार्वती जी नीचे विराजमान। शंकर पार्वती जी को जो देखा तो क्या देखा कि शंकर जी गोद लिए बैठे पार्वती जी को और ऋषियों से सत्संग कर रहे हैं। ऋषियों से सत्संग कर रहे हैं। इनके मन में आई कि देखो तो इन्हें लज्जा नहीं आती। संसार में गया से गया आदमी भी कभी अपनी स्त्री का आलिंगन सारे संसार के आगे नहीं करता, और इनको इतने निर्लज्ज हो गए कि ऋषियों की सभा में बैठे हैं और पार्वती जी को गोद में बिठा रखा है। अनजाने में इन्होंने तो अनाप शनाप बात शंकर जी को ही बोल दी। पहले कल की कथा में कह आए महापुरुष हैं जो सच्चे और ग्रंथ हैं। ग्रंथ और संत का जो आचरण जो चर्चा समझ में न आए तो अनुमान लीला ये आचरण समझ नहीं आ रहा। वे समझाएं, समझाने पर भी न समझ आए तो कम से कम अश्रद्धा का शिकार तो नहीं होना चाहिए। यदि होंगे तो अभी सुनेंगे हम चित्रकेतु जी की क्या गति होगी। यही शिक्षा है प्रसंग में। रूपक के रूप में विश्वनाथ चतुर्वेदी ने बाद ने तो कहा भगवत इच्छा से ही श्राप मिला ताकि व्याकुलता बढ़े। प्रभा की रूपक के रूप में शिक्षा कि शंकर जगत गुरु हैं, बिना जाने पहचाने इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। हम किसके प्रति वक्तव्य दे रहे हैं? आंखों पे जैसे रंग का चश्मा चढ़ा होता है ना, ऐसा ही जगत देखता है। हम स्वयं कामी हैं तो सारा जगत काम में दिखेगा। हम स्वयं लोभी हैं तो सारा जगत लोभ में दिखेगा। हमें संसार के भीतर जो दोष सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, जान लीजिए वो दोष अपने भीतर सबसे ज्यादा मात्रा में है, तभी वही वह दोष संसार में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने कहा शंकर भगवान तो बड़े प्रसन्न चित्त वाले हैं, ये तो चुप रह गए, मैया से सुना नहीं गया। मैया बोली नीच जगत गुरु दुनिया भर के तो इनका गुरु बनने चला है, किसको शिक्षा दे रहा है, क्या बोल रहा है तू? शंकर को लज्जा ही नहीं बता रहा है कि इन्होंने स्त्री गोद में बिठा ली, मुझे सामान्य स्त्री जान रहा है। मैं कौन हूं? मैं जगदम्बा हूं। और ये कौन है? ये जगत गुरु है। तो किसके लिए क्या बोल रहा है सुन तो सही, तो निंदा भी कर रहा है किसकी किसकी कर रहा है? एक रिक्शे वाले को थप्पड़ मार दिया, बात तो बुरी वो भी है लेकिन सस्ते में निमट जाएगा। और इंस्पेक्टर को मार दिया, मेयर को मार दिया, मुख्यमंत्री को मार दिया, प्रधानमंत्री को मार दिया, राष्ट्रपति को मार दिया, तो क्या होगा? हम जानते हैं क्या होगा। निंदा किसकी कर रहे हो भैया, किसकी कर रहे हो? निंदा मत करो। तब तो पार्वती जी ने जो श्राप दिया है, क्या श्राप दिया है कि तेरी बुद्धि तो असुर जैसी है, तू असुर ही हो जा, तू राक्षस हो जा। तब यही चित्रकेतु बने हैं वत्रासुर, जिनका प्रसंग आपने श्रवण किया। लेकिन भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत ऊंच नीच कुल उपजे, लेकिन रहे संत को संत। तो रहस्य क्या है? जो शंकर जी गोद में जगदम्बा को बिठाते हैं, ये कथा भागवत जी में तो नहीं है, पद्म पुराण में है। जल्दी से कह के आगे बढ़ जाते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि एक बार भगवान शंकर महाप्रसाद ग्रहण कर रहे जगन्नाथ जी का, महाप्रसाद के बहुत प्रेमी हैं। जो महाप्रसाद जगन्नाथ भगवान का ग्रहण कर रहे तो इतना प्रसाद इनको प्रिय है कि पागे सारा।
मैया आई, मैया ने कहा कि ये क्या क्या पा रहे थे कि प्रसाद? बोले महाराज सेवा तो हम करें और प्रसाद आवे तो अकेले अकेले चट कर जाओ, हमारे लिए रखा क्यों नहीं? बोले तुम लगी थी सेवा में, बोले हमें बुला लेते। बोले अच्छा अब के आओगी तो बुला ला। फिर दोबारा प्रसाद एक दिन आया, शंकर जी ने पार्वती जी को बुलाया। पार्वती जी उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही, तो आपने कहा अभी पाती हूं विष्णु सहस्त्र नाम पूरा कर लो। शंकर जी ने कहा कि प्राप्तव्य मात्र भोक्तव्यम, प्राप्त करते ही महाप्रसाद को पा लेना चाहिए, विचार नहीं है। झूठे मुंह बिना मज्जन करे भी यदि कहीं श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद कहीं ऐसा, तो कभी ऐसी स्थिति है कि पा भी नहीं पा रहे तो मस्तक से लगा के तो सम्मान करना ही है प्रसाद का। अभी प्रसाद की भी एक बहुत बड़ी पूरा सत्संग है, किनके प्रसाद को पाना है, किनके मस्तक लगाना है, कैसे, इसका पूरा वर्णन है, पर समय का थोड़ा अभाव है। तो मां बोली अभी आई, भगवान शंकर ने कहा कि पालो। बोले विष्णु सही सुनाम, बोले पद्म पुराण का श्लोक है कि एक बार राम नाम लिए से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाता है। एक बार राम नाम, एक बार कृष्ण नाम लिए से, एक बार राम नाम लिए से समस्त पाठों का श्लोकों का फल हो जाता है। जब ऐसा कहा तो विश्वास कर लिया, क्योंकि विश्वास की पत्नी है ना ये, तो विश्वास नहीं करेंगी तो फिर वही सती जी वाला हाल हो जाएगा। फिर अब तो श्रद्धा विश्वास का ब्याह हुआ है ना, सो पति ने कही के राम नाम, एक राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, तो इन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम तो एक और रख दिए और बोली श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जो श्री राम बोली है तो क्या हुआ, तो झट श्री भोले बाबा ने इनको प्रसाद पवा दिया। पर भोले बाबा को लगा कभी इसने मेरे कहने से राम नाम ले लिया हो, इसकी पूर्ण निष्ठा नाम में न हुई हो, मेरे कहने से नाम ले लिया हो, नाम में इसकी निष्ठा को मैं परीक्षण करूं। तो भगवान शंकर सूक्ष्म रूप से मैया में प्रविष्ट होते हैं। मैया में प्रविष्ट जो हुए और हृदय मंडल में जाकर के देखा कि देखूं कहीं निष्ठा के अभाव में तो नाम नहीं लिया है, जाके देखा तो प्रसन्न हुए कि मैया ने पूर्ण निष्ठा से ही नाम लिया है, अर्थात मेरे कहने से ही नहीं, मेरे कहने के साथ पूर्ण निष्ठा का उदय हो गया। ये बहुत दुर्लभ है, नहीं संसार में तो ये स्थिति है कि कहते कहते हार जाओ और सिर पे जू न रहेंगे। लेकिन पूर्ण निष्ठा है इनकी, बाबा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जब आप बाहर आ रहे हैं तो कहते हैं इतने प्रसन्न हो गए मैया पे, बोले अब तो तू और मैं एक हो गए। बोले कैसे एक हो गए, कि मेरे भीतर भी राम अब तेरे भीतर भी राम, अब हम जनों के दो शरीर नहीं एक शरीर हो गए, तो आधा शरीर भोले बाबा का और आधा शरीर मैया का। कहिए अर्धनारेश्वर भगवान की जय हो, अर्धनारेश्वर भगवान की जय हो, अर्धनारेश्वर भगवान की जय हो। अर्धनारेश्वर भगवान का आपने दर्शन किया ही होगा, जहां दाहिना अंग शिव और बायां अंग जगदम्बा। बस ब्रज की जोरी से अंतर इतना है कि जो प्रिया प्रियतम की जोरी है, यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ पे देह दो प्राण एक,
वहां पे देह एक पर प्राण दो, यहां देह दो पर प्राण एक, एक प्राण दो देही गोरे सांवरे पद गाते हैं ना विष्णु, एक प्राण दो देही गोरे सांवरे। लेकिन भोले बाबा देह तो एक हो गया अर्धनारीश्वर, लेकिन प्राण दो तत्व दो, अर्धनारीश्वर प्रकट हो गए। तो जब अर्धनारीश्वर रूप में रहते हैं तब तो अर्धनारीश्वर रूप में रहते हैं, लेकिन जब विलग विलग रूप में रहते हैं कि शिव अलग स्वरूप में विराजमान में मैया अलग, तो उस समय भी प्रीति के कारण, लौकिक प्रीति नहीं, देहिक प्रीति नहीं, नाम की प्रीति के कारण मैया को गोद में ही बिठाए रखते हैं। ये रहस्य है। अब जो इस रहस्य को जानेगा वो तो गलती नहीं करेगा, और जो इस रहस्य को जानेगा नहीं वो तो अंटसंट तिकड़म भिड़ाता रहेगा। लोग पता नहीं भगवान के स्वरूप के प्रति भी क्या क्या उठपटांग मान्यताएं कर लेते हैं, वो गलती करेगा तब तो ऐसे। चित्रकेतु जी का प्रसंग कहा है और आगे तो बहुत। श्री नारद जी युधिष्ठिर जी को सनातन धर्म के लक्षण पूछने पर सनातन धर्म के लक्षणों का उल्लेख करते हैं। चारों वर्णों के क्या धर्म है इनका उल्लेख करते हैं। नौवों वर्षों में कौन कौन खंड में भगवान कौन कौन स्वरूप से विराज करके कौन कौन सेवक उनकी सेवा में नियुक्त हैं इसका वर्णन करते हैं। और आगे तो सप्तम अध्याय में श्री प्रहलाद जी के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं। ये सब कल की कथा चल रही है, अभी तक तो आज की तो आई नहीं है। प्रहलाद जी के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं कि सबसे प्रारंभ की कथा में क्या श्रवण किया कि भैया तो थे दो, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। हिरणाक्ष को तो वराह भगवान ने ही समाप्त कर दिया था और हिरणाकश्यप बचे हैं। सो हिरणाकश्यप तो भगवान से ही बैर मानते हैं कि उस नारायण को ही नहीं छोड़ूंगा जिस नारायण ने मेरे भैया का वध किया, इसलिए इसने तो बहुत भारी तपस्या की है। किस लिए? कि मैं नारायण को मारने वाला हूं, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी की जो पैर के अंगूठे पर तपस्या करने को गए हैं, तो उसी समय देवता लोग एक पंछी बन करके, तोता बन करके पेड़ पर बैठ गए। पेड़ पर जो बैठे हैं तपस्या भंग हो जाए, क्या बोलने लगे, नारायण 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 नारायण। ये तो नारायण नाम का ही विरोधी, ये तो बार बार भगाए और बार बार आकर के कोई पक्षी बैठ जाए। सो इसने कहा आज मुहूर्त ही खराब है, आज नहीं कल आएंगे। सो ये घर लौट गए। घर लौटे सो कयादू ने पूछा कि स्वामी कैसे लौट आए। बोले लौट के आए, अब शकुन हो गया। भगवान नाम का, भगवान नाम सुनना तो सबसे बड़ा शकुन है, पर ये पापी कह रहा है अब शकुन हो गया, अब शकुन हो गया। बोले क्या अब शकुन हो गया? बोले बस पेड़ पे पंछी बैठा, नारायण नारायण बोल रहा था। अब तो कयादू को आनंद आ गया। बोले कैसे जैसे तैसे इस पापात का, पापात्मा के मुख से नाम तो निकला, नाम निकला, और नाम निकला है। और तब तो बार बार कयादू पूछती क्या कहा क्या कहा क्या कहा। अब ये बार बार कहे कहा तो वो नारायण नारायण बोल रहा था। वो क्या कह रहा था कि नारायण 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 ये बोल रहा था। बारंबार नारायण नाम लिवाया है और उसी रात्रि में जो हुआ है गर्भाधान, तो गर्भ में पधारे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। कहिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी आए हैं। अगले दिन तो हिरणाकश्यप तप को चले गए हैं, एक अंगूठा पे खड़े होकर के भयंकर तप किया है। इतना जो तप किया है कि शरीर पे तो मिट्टी का पहाड़ लग गया, दीमकों ने घर बना लिए, इतनी तमस्या। पीछे तो देवताओं ने सोचा कि इसको तो देखेंगे ही,
इंद्र के मन में तो बहुत कपट आया। इनकी जो स्त्री थी हिरण्यकश्यप की स्त्री कयाधु को पकड़ के ले जाने लगा मारने के लिए। बोले क्यों मारने के लिए, कि इसके पेट में पापी का बीज है, सो इसके अब तो पिता से ही दुखी है, बालक पैदा होके जिन्हें कितना कष्ट देगा, तो बीच कोई पैदा मत होने दो। सो ले जा रहा, रास्ते में आए नारद जी, बोले भैया किसे पकड़ के ले जा रहे हो, एक कयाधु को। बोले क्यों, बोले एक गर्भवती है पापी का बीज। बोले पापी का बीज न कह देना, अब नारायण नाराज हो जाएंगे। बोले इसके पेट में कौन है तुम्हें पता है, इसके पेट में तो महाभागवत प्रहलाद जी आए। इंद्र ने क्षमा मांगी है, कयाधु के चरण छुए हैं। नारद जी कयाधु को आश्रम पे ले गए कि बेटी अब यहाँ नहीं रहो, कभी कोई देव आके परेशान करे, कोई तुम्हारे शत्रु दल आके परेशान करे। नारद जी ले आए हैं, ब्रज के संतों का कहना है नारद जी कहाँ लेकर के आए हैं, नारद जी कहाँ निवास कर रहे थे। बोले गिरिराज जी की परिक्रमा में कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड पर। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं आप, तो कुसुम सरोवर के सामने जो नारद कुंड है वहां पर ले आए थे कयाधु प्रहलाद जी को। ब्रजवास किया है कयाधु ने, प्रहलाद जी ने गर्भ अवस्था में। अब तो कयाधु वहीं रहती है नारद जी के आश्रम में, और संतों के साथ कोई चर्चा पराई तो होनी नहीं है, भगवान नाम ही होना है, तो रात दिन इनके यहाँ तो कीर्तन ही होता है। रात को नींद पूरी नहीं हुई, गाइए नाम सुस्ती चली जाएगी। श्री राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि। देखिए पूरी तो हमारी भी नहीं हो रही, डेढ़ से दो घंटा मुश्किल से सोते हैं, कभी एक घंटा कभी पौन घंटा, बहुत ज्यादा डेढ़ और दो दो घंटे सो लिए तो समझिए कि पता नहीं 12 घंटा सो गए मानो, लेकिन फिर भी सेवा कर ही रहे हैं ना, तो गाइए। हे जी राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि, बोलो प्रेम भरी, बोलो प्रेम भरी। अच्छा ये बताइए कभी नोट गिनते हुए नींद आई है, आई है क्या, कि हजार हजार के गिन रहे हो नींद आ गई हो, झोंका में देने हो नौ नोट दे दियो ग्राहक को दस, कभी ऐसा हुआ क्या। बोले नहीं जी ऐसा तो नहीं हुआ, दस देने हो तो आठ भले दे दिए हो, नौ भले दे दिए हो, ग्यारह कभी नहीं दिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो नाम में ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि जितनी नोटों में ममता है उतनी नाम में नहीं है, तो नाम में ममता पैदा करिए और गाइए राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, श्री 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 राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, श्री 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 राम
सबका पता चलता रहता है। बीच बीच में आप समाधि लगाते रहते हो, आप लगा रहे हो टोकरे, मुझे लग गई समाधि तो क्या होगा, मैं भी बीच में चौंका ले लिया, क्या होगा। वैसे ही पीछे चल रहे हैं, इतने पीछे हो जाएंगे कि फिर आगे नहीं हो पाएंगे। तो महाराज पीछे मत रहिए, आगे बढ़िए। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, गाओ प्रेम भरि, गाओ प्रेम भरि, गाओ प्रेम भरि, गाओ प्रेम भरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, गाओ प्रेम भरि, गाओ प्रेम भरि, हरि गाओ प्रेम भरि, गाओ प्रेम भरि, राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। नींद साहब इसलिए आती है कि हमारा मन सदैव देह में लगा रहता है। नींद कम करने का उपाय है अपने आप को आत्मा अनुभव करिए। देखिए करके अपने आप को कृष्ण दास अनुभव करिए। ये बताइए मन को कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। हमको भूख पास क्यों लगते हैं? क्योंकि सदैव मन का देह से संयोग रहता है। आप सोचिए, कभी आप दुकान पे होते हैं, घर पे होते हैं, तो ऐसा होता है कि आप 4-5 घंटे तक कुछ ना खाएं पिएं, हो ही नहीं सकता जी। घंटे भर बाद चाय चाहिए, 2 घंटे बाद नाश्ता चाहिए, नहीं पानी तो पीते ही रहते हैं और कुछ उठ पटांग तो कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं मुंह में। लेकिन आप ही जब कथा में बैठे हैं तो 4 घंटे सोचिए ना पानी पीते हैं, ना चाय पीते हैं, ना गुटखा के शौकीन गुटखा खाते हैं, ना सिगरेट के शौकीन शर्म के मारे सिगरेट भी नहीं पी पाते। जो पीते हैं अपने वैष्णव तो इस चक्कर में नहीं है, पर जो है तो कैसे संभव होता है यहां पे और दुकान पे घर पे क्यों संभव नहीं हो पाता? कारण एक है, जब आप कथा में होते हैं, सत्संग में होते हैं, तो उस समय मन का देह से संयोग छूट जाता है। मन का देह से संयोग छूट जाता है, मन कथा में लग जाता है, तो क्या होता है ना, आपको नींद आती है, ना भूख लगती है, ना लघुशंका आती है, ना शौच का वेग तक होता है। और जैसे जैसे मन देह से संयोग, तो याद आने लगता है। आप सोचिए, कभी कभी ऐसा नहीं होता सुबह किसी इतने जरूरी काम में लग गए, इतने जरूरी काम में लग गए कि शाम हो गई, आदमी कहता है आज तो सुबह की 2 ब्रेड खाई हुई है और रात के 8 बज गए, रोटी नहीं और भूख भी नहीं लग रही। ऐसा कितनी बार होता है ना, पूरा दिन निकल गया, रोटी को मन नहीं हो रहा। बोले क्यों नहीं मन हो रहा? बोले आप इतने व्यस्त हो गए किसी काम में कि मन का संयोग देह से छूट गया। तो हुआ क्या, जो देह के धर्म थे, भूख लगना, प्यास लगना, वो सब बंद हो गए। तो ऐसा नहीं कि भूख भोजन नहीं करना है, सोना नहीं है, लेकिन जो अनियंत्रित है, सोना चाहिए 6 घंटा, हम सो रहे हैं 12 घंटा, तो 6 घंटा जीवन के बर्बाद कर रहे हैं। तो वो जो 6 घंटा अतिरिक्त तो क्यों सो रहे हैं, 10 घंटा सो रहे हैं, तो 4 घंटा, एक स्वस्थ मनुष्य को 6 घंटा बहुत, बस। हम सो रहे हैं 10 घंटा, 12 घंटा, तो जो अतिरिक्त तो सो रहे हैं वो क्यों सो रहे हैं? वो इसलिए सो रहे हैं कि हमारा देहाध्यास बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम देह में इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं, हम इतने देह के भीतर घुसे हुए हैं और देह जनित संबंध और देह जनित वस्तुओं में, कि हमको हर समय 2 काम सोचते हैं, अगर खाओ और सो, खाते रहो और सोते रहो। तो देह ध्यास कम करे से देह के जो धर्म अत्यंत प्रबल हो रहे हैं, ये थोड़े धीरे धीरे, एकदम नहीं हो जाएंगे, लेकिन अभ्यास करे से 2 महीने 4 महीने 6 महीने में बहुत अच्छा परिणाम आता है, ऐसा संत लोग बताते हैं। तो गाइए राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि,
हरि श्री राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि श्री राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि श्री राम कृष्ण हरि गाओ प्रेम भरि गाओ प्रेम भरि गाओ प्रेम भरि गाओ प्रेम भरि राम कृष्ण आश्रम पे कयादु हैं और कयादु के उधर में प्रहलाद हैं, इनके यहाँ तो रात दिन यही कीर्तन होता है, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। कहीं तो भागवत जी की चर्चा हो है, तो कहीं वाल्मीकि रामायण से राम कथा, तो श्रीमद् भागवत से कृष्ण कथा, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ नाना प्रकार की कथाएं। पर कयादु के पेट में प्रहलाद जी सब सुन रहे हैं। जब गर्भवती स्त्रियां सीरियल देखेंगी और गंदी गंदी पिक्चरें देखेंगी तो प्रहलाद ध्रुव नहीं पैदा होंगे, राक्षस संतान पैदा हो। गर्भवती स्त्री पे कितना कितना जो है भार है, बहुत भार है, बहुत भार। इसीलिए अपने यहां पुरुष को तो कई विवाह करने की अनुमति दी लेकिन स्त्री को नहीं दी, बिल्कुल मना। क्यों? क्योंकि स्त्री पे वंश की पवित्रता का भार है। पुरुष तो एक से अनेक ब्याह कर सकता है, अब तो नहीं, पर देखते हैं खूब राजाओं का वर्णन आता है, दशरथ जी का, सबके कई कई रानियां, पर किसी रानी का ये नहीं कि इसने किसने अनेक पतियों से विवाह किया, ऐसा नहीं। वो द्रौपदी जी की स्थिति कुछ और है, वो अलग है, वो कथा कभी सुनाएंगे। पर बाकी स्त्री को एक ही पति, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वंश की पवित्रता का भार है। इसलिए गर्भ में क्या खाया, क्या पिया, क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, इसका बहुत प्रभाव है। कयादु जी के, कयादु जी भागवत जी सुन रहे हैं, पेट में प्रहलाद जी भागवत जी सुन रहे हैं, भगवत श्री राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। समय आया है, हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई है, इधर तो ब्रह्मा जी वरदान देने को आए हैं, जल का छींटा दिया तो सारे दीमक का पहाड़ हट गया, हष्ट पुष्ट होकर के हिरण्यकश्यप खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने कही वरदान, हिरण्यकश्यप बोले अमर बना दो। बोले भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं कैसे बना। एक ने शीतला मैया की पूजा करी, शीतला मैया प्रकट हुई, शीतला मैया ने कही क्या चाहिए, क्योंकि हाथी दे दो मैया। शीतला मैया बोले भैया मेरी सवारी गधे की है, मैं हाथी कहां से दूं, हम किनसे क्या मांग रहे हैं। इसलिए कृष्ण भजन बस, जो असमर्थ है वो हमें कहां पार करेंगे, जो स्वयं असमर्थ है, जिनकी शक्ति सीमित है। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं भैया, मैं ही अमर नहीं। तो फिर बोले अमर नहीं तो अमर जैसा क्या, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, न शस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, न 12 महीनों में मरूं, न जमीन पे मरूं न आकाश में मरूं। बड़े बड़े वरदान आप जानते हैं, कैसे कैसे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी सबको तथास्तु 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 तथास्तु, ये प्रसन्न हुआ, मैं तो अमर हो गया। पर महाराज
बाद अमर कोई नहीं हुआ यहाँ। ये तो प्रसन्न होके लौट आया। अब तो महाराज, उसने तो बड़ा पाप शुरू कर दिया। इधर तो कयाधु आ गई, लौट करके पतिदेव लौटे हैं, सो घर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। प्रहलाद जी के पहले चार भाई और हैं, पांचवें प्रहलाद हैं। इनसे बड़े चार संगलाद, अहलाद इत्यादि चार भाई और हैं, सबसे छोटे प्रहलाद हैं। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रेम से कहिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, इनके पिता ने तो पूरा आतंकवाद ही फैला दिया। बोले क्या हुआ, स्वर्ग में समय पहले चढ़ाई की, इंद्र को तो दिया निकाल फेंक, खुद बैठ गए सिंहासन पे, सब देवताओं को वश में कर लिया, सारी पृथ्वी को जीत लिया। अब तो महाराज जब ये कहे वर्षा करो तो होए, कहे रुक जाओ तो रुक जाए, जब ये कहे पवन चलो तो चले और पवन को कहे रुके तो रुक जाओ। इसने तो सारे देवता अपने उंगलियों पे ही नचाने प्रारंभ कर दिए। चलो इतना भी कर लेता तो कोई बात नहीं, इसने तो पापाचरण कर दिया। मंत्रियों की सभा बुलाई, बोले नारायण को मारना है, कैसे मरेंगे? बोले नारायण ने तो दूसरों को ही मारा है, खुद तो मरे नहीं वो कभी, न मर सकते। ऋषि लोग कहते हैं वो अजन्मा है और अमर है, उनका अंत नहीं है। ये मनुष्य है जो परमात्मा को भी मारने की सोचता है। बोले नारायण को बल कहां से मिलता है? बोले नारायण को बल देते हैं ऋषि लोग, यज्ञ से बल मिल रहा है। बोले मेरे राज्य में सारे में घोषणा करा दो कोई यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ बंद हो गए। बोले यज्ञ कौन करते हैं? ऋषि तर्पण करते हैं, भजन करते हैं। बोले सबको काट काट फेंक, ऋषियों को मार मार काट काट फेंकने लगे। जिसके सिर पे चोटी दिखे सो काटो, जनेऊ का खंडन करो। ब्राह्मणों को मारने लगे हैं, ऋषियों को मारने लगे, गो हत्या करने लगे, यज्ञ समाप्त करा दिए, बंद करा दिए। चहुं और हाहाकार मची, देवता लोगों ने त्राही त्राही करी है। त्राही त्राही करते हुए भगवान के पास पहुंचे हैं। भगवान को विनती करी है कि महाराज संहार करिए। भगवान बोले हम संहार नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे आप? समझिए भगवान का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? एक तो भगवान पक्षपाती नहीं है और दूसरे भगवान निष्ठुर नहीं है। भगवान एक तो पक्षपाती नहीं है और दूसरे भगवान निष्ठुर नहीं है। भगवान ने कहा इस समय राक्षसों के बढ़ने का समय है, इसलिए मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पक्षपाती नहीं हूं। देवताओं का बढ़ने का समय हो गया, देवता बढ़ेंगे, और राक्षसों का बढ़ने का समय, राक्षस बढ़ेंगे। राक्षसों के बढ़ने का समय था तो फिर क्यों मारने आएंगे हिरण्यकश्यप को? बोले दूसरा गुण भगवान का यह है, निष्ठुर नहीं है। भले राक्षसों के बढ़ने का समय है लेकिन कोई राक्षस यदि भक्त को दुख देगा तब मैं निष्ठुर भी नहीं हूं, भक्त को बचाने के लिए आ जाऊंगा। तो यही हिरण्यकश्यप सबको कष्ट देगा तो आएंगे नहीं बचाने, लेकिन यही हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद जी को कष्ट देगा तो भगवान खंबा फाड़ के निकल आएंगे। हुआ यही, प्रहलाद हुए बड़े, शुक्राचार्य के बेटे शंडामर के विद्यालय में भेज दिया है पढ़ने, भेजा है जो पढ़ने। तो महाराज ये तो पढ़े पढ़ाए थे, ये क्या पढ़ते? इन्होंने तो अध्यापक ही पढ़ा दिए, और अध्यापक ही पढ़ा दिए और बाकी बालक ही पढ़ा दिए। क्या शिक्षा दी है? बड़ा सुंदर श्लोक भागवत जी में आया, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्याध्रुवमर्थदम। राक्षस बालकों को प्रहलाद जी कह रहे हैं, बालक कह रहे हैं प्रहलाद जी खेल खेलेंगे। प्रहलाद जी बोले हम तुम्हारे खेल नहीं खेलेंगे। कह चोर सिपाही और पकड़म पकड़ाई और ऊंच नीच का पापड़ा, ये सब बेकार के झापड़ा हमें नहीं करने, हम कौन सा खेल खेलेंगे? बोले तुम भी कृष्ण कहो, हम भी कृष्ण कहेंगे, दोनों नाचेंगे।
बोले ये खेल तुमने कहां से सीखा? बोले ये खेल हमने नारद जी के सीखा। बोले ये खेल क्यों खेलें? ये तो भजन है, भक्ति है, बड़े कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा नहीं बच्चों, कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भजन में लग जाओ। बोले क्यों लग जाओ? बोले इसलिए लग जाओ कि इस देह में एक गुण है तो एक बुराई है। गुण तो बहुत हैं, इस देह के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है, ये देह बड़ी दुर्लभ है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा अवगुण है। क्या? कि ये अनिश्चित काल को मिली है, ये अनिश्चित काल को मिली है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? एक दिन ऐसा आएगा मन, एक दिन ऐसा